हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास विच ऑर्गेनाइज बाय कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल। क्लास वन, सब्जेक्ट हिंदी टू, चैप्टर एट। आज मैं आपको हिंदी टू पढ़ाऊंगी। चैप्टर एट, वचन एक या अनेक। चैप्टर का नाम क्या है? वचन एक या अनेक। चलो शुरू करते हैं। वचन, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन क्या होता है? वचन वो होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि वस्तु एक या एक से ज़्यादा है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक लड़की, तीन लड़कियाँ, एक गेंदे, छह गेंदे, एक गेंद, छह गेंदे, ठीक है। आपने देखा, कुछ चीज़ें एक हैं और कुछ अनेक। इस प्रकार वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर। जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन क्या होता है? एक वचन वो होता है जिससे हमको ये पता चलता है कि प्राणी या वस्तु एक है, एक ठो है, यानी एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे एक मेज, एक गाय, एक औरत, यानी एक ठो है ये, ठीक है। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर। जिस शब्द से प्राणी या वस्तु के एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन उनको कहते हैं जिनसे हमको ये पता चले प्राणी या वस्तु एक से ज़्यादा है, उसे ही बहुवचन कहते हैं। जैसे तीन मेजे, दो गाय, पांच औरतें, ठीक है, ये हमारे बहुवचन हो गए। अच्छा, नीचे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। अच्छा, वचन के प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। मुर्गा एक का बहुवचन है। मुर्गा का बहुवचन क्या होगा? मुर्गियाँ, मुर्गे या मुर्गी, आई इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? मुर्गा का मुर्गे, ठीक है। अच्छा, नीचे देखिए, दिए गए चित्रों को देखिए और लिखिए। यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया है और यहाँ लिखना है, ये क्या होगा? लड़की, कितना लड़की है? एक लड़की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक लड़की। अच्छा, यहाँ पे दो लड़कियाँ, यहाँ पे क्या है? मछली, एक मछली, और ये चार मछलियाँ। आपको समझ में आ रहा है? तो अच्छा, ये क्या है? एक कबूतर, दो कबूतरे, कबूतरों। अच्छा, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे देखिए, थैला का थैले, चूड़ी का चूड़िया, स्त्री का स्त्रिया, स्त्री का स्त्रिया, नाव का नावे, कपड़ा का कपड़े, नदी का नदिया, नदिये, ठीक है। इस तरह से आपको इस एक वचन से बहुवचन में बदलना होता है। आपको ये चैप्टर समझ में आया? ओके, थैंक यू।